अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को, तो आपके जन्म का अंक है 8। 8 है शनि की प्रधानता। और साथ ही साथ वो लोग जिनकी राशि है एक्वेरियस, कुंभ राशि है मकर राशि है कैप्रिकॉर्न, और साथ ही साथ तुला राशि वाले यानी लिब्रा, उनको भी शनि की प्रधानता है। और अगले साल 2024 का अंक है 8। तो अब कैसा रहेगा ये साल आपके लिए, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. I'm the astro-numerologist and the best-selling author. स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इससे पहले कि बताऊं अगला साल कैसा होगा आपके लिए, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, गिव अस अ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब 8 अंक कैसा है, आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 या 26, शनि का अंक, अगले साल भी आएगा शनि। तो अगर आप घबरा गए, डर गए, तो समझिएगा यहाँ कुछ खास बातों को। 8 अंक एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे 8 अंक लिखा जाता है तो उसमें दो हिस्से हैं 8 के। अगर एक सिक्का लिया जाए, सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है डिले, स्ट्रगल, जीवन में हर चीज में स्ट्रगल करना है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, कोई साथ नहीं देता, पैसे की तंगी है और मन खुश नहीं है। दूसरी तरफ है शनि, अकेले शनि में इतना दम है, वो व्यक्ति को बिलियनेयर भी बनाता है, सक्सेस भी देता है, अध्यात्म से भी जोड़ता है, महान गुरु भी बनाता है। वो कैसे हो, जैसे 8 के दो हिस्से, या तो जीवन का शुरुआती हिस्से में दिक्कत है, बाद में वो कामयाबी मिलेगी, या शुरू में कामयाबी मिली थी, व्यक्ति ने उसको व्यर्थ जाया किया, आगे दिक्कत आई। अगर आप हैं 8 का अंक, या आप राशि है आपकी कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस या लिब्रा, तुला राशि है मकर और कुंभ, तो आप पर शनि का प्रभाव है। अगले साल आप वैसे तो नंबर 24 बहुत लकी है, आप अपने उल्टे हाथ के अंगूठे के नीचे वीनस माउंट पर लिख सकते हैं नीले रंग की पेन से। लेकिन पहले समझिए कि क्या है, आपका जन्म है 8 का और अगले साल आया है 8, तो यानी रिपीट हुआ है, डबल 8। अगले साल आपके जीवन में अबंडेंस ग्रो करेगा, आपके जो काम रुके हुए थे वो बनने लगेंगे। खास तौर पर अगर आप रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं, आप रियल्टर हैं या रियल स्टेट से प्रॉपर्टी का जुड़ा हुआ काम करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी से हैं, ओकल से हैं, टीचिंग से हैं, आपका पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, या यूं कहूँ रेस्टोरेंट है, या आपका डायमंड का बिजनेस है, माइनिंग का बिजनेस है, या ऑयल का है, इन सब से जुड़े हुए हैं आप, तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। और फिर चाहे आप मेडिकल इंडस्ट्री से भी क्यों ना जुड़े हों, अगर आप इन सब से नहीं जुड़े हैं, तब आप अगर अपने काम में नियम लाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं, रिसर्च लाते हैं, तो आपके जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ग्रोथ होगी। जो पैसे अटके हुए थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे, खास तौर पर अगस्त के बाद। शुरुआती के दो महीने जनवरी फरवरी शायद थोड़ा सा स्लो देखें आप ग्रोथ, पर जब तक आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपना नियम से काम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे, आप देखेंगे कि ये डबल 8 की तरह आपकी लाइफ में एक्टिवेट करेगा और ग्रोथ होगी। अदरवाइज एक रेमेडी ये कहूंगी कि आप लाइट कलर्स, जैसे लाइट येलो कलर का बहुत इस्तेमाल करें, लाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हैं आप, और लाइट ब्लू। डार्क कलर्स में ब्राउन कलर को, ब्लैक को, रेड को, इन सबको अवॉइड करिए, क्योंकि वैसे भी इनकी बनती नहीं है, मंगल हो या शनि हो, बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं। इसके अलावा आप नियम से रोजाना नियम बना लीजिए, आप मेडिटेशन करेंगे या योगा करेंगे, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं तो अगले साल हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, या लंबी बीमारी चल सकती है। और बीमारी भी वैसी कि बुखार आया था, डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ गलत हो गया, तो अब ज़्यादा समय तक हॉस्पिटलाइज हैं, या दवाई लंबे समय चल रही, क्योंकि ऐसा तो कोई परेशानी थी नहीं, अचानक से कोई बड़ी परेशानी आई। उसकी रेमेडी क्या है, हरी सब्जियाँ खाएँ, शनिवार के दिन कुछ ना कुछ सेवा करें जाकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर वालों को छोड़ के गए आप, सबसे पहली सेवा घर की तरफ। और ख़ास काम आपको क्या करना है, 8 अंक को समझिए कि वो लग्जरी देता है। नंबर 8 को इन्फिनिट भी कहते हैं, तो आप अगले साल अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर नीले रंग की पेन से इन्फिनिटी सिंबल बनाइए। अब स्टैंडिंग बनाएंगे तो 8 हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं वैसे बनाना है। अगर आप 24 लिखते हैं तो ठीक, अगर नहीं लिख रहे, खास तौर पर सिर्फ अगले साल के लिए अपने बुध के पर्वत पर मर्करी माउंट पर 32 लिखिए ग्रीन कलर की पेन से रोजाना।
सिर्फ आप फिर 32 लिखेंगे और इन्फिनिटी का सिंबल बनाएंगे, ये आपको बहुत ग्रोथ देगा। सेवा तो आपको करनी पड़ेगी सैटरडे के सैटरडे या ट्यूसडे को, जब जाके मौका मिले मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप सेवा करें। जूतों चप्पलों को अरेंज कर दीजिए या जो बर्तन है उनकी सफाई कर दी, लेकिन सेवा भाव से, दिखाने के लिए नहीं। अगर भाव सेवा का नहीं है और व्यक्ति सेवा करता है तो वो व्यर्थ हो गई। रोजाना वॉक करिए, हेल्थ भी ठीक रहेगी। आपको अपनी लाइफ में एक रूटीन और डिसिप्लिन लाना है। बेड पे बैठकर टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। किचन में अगर हो सके ज़मीन पे ही बैठ के खाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नियम बनाएं। ये तो बात हुई कि कौन से क्षेत्रों के लिए अच्छा है, कौन से रंगों का और रेमेडी का क्या करना है सेहत के दृष्टिकोण से। यहाँ अब कुछ बातों को आपको कहूँगी कि ध्यान दें। स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। 8 अंक वालों को आमतौर पर वैसे भी क्विक रिच स्कीम में सपोर्ट नहीं मिलता, पैसा डूब ही जाता है। मेहनत का खाते हैं वो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो किसी और की गलती का भी फल इन्हीं को मिल जाता है, दिक्कत में आ जाते हैं। तो आप ये कोशिश ना करें कि आज आपने स्टॉक मार्केट में और बिटकॉइन में डाला और आपका पैसे आ जाएंगे, बल्कि वो डूब ही जाते हैं। शायद आपने 50-60 लाख कुछ बना लिए और आपके मन में आया चलो 1 करोड़ ही कर लेते हैं, उतने में पता चला सारे डूब गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, किस में? गोल्ड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लेकिन क्विक रिच वाली स्कीम में आप उनसे दूर रहें, क्योंकि उससे आपको दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल अगर आपका अंक 8 है, अगले साल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम, टीचिंग से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए काम, मेडिकल इंडस्ट्री में, इसीलिए अगर हॉस्पिटल में सेवा करें आप, आपकी खुद की भी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन सेवा सेवा भाव से करनी है, दिखावे के लिए नहीं करनी है। 8 है, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ जाएगा कि आपको अचानक से लगेगा क्या हो गया। खास काम करने हो तो आप 2-4-8 तारीख को अवॉइड करें, यानी 2 तारीख को नहीं करें, 11 को 20 या 29 को नहीं करें, 4-13-22 और 31 को नहीं करें, 8-17 और 26 को नहीं करें। इसके अलावा उन तारीखों को कर सकते हैं जो 1 हो या 5 हो या 3 हो। अदरवाइज मुझे ज़रूर बताएं कि करियर के दृष्टिकोण से आप जो काम करते हैं क्या उसमें आप रिसर्च करते हैं। नहीं करते हैं तो रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। कहने का है, शनि कहता है नियम, शनि कहता है नम्रता, शनि कहता है ग्रैटिट्यूड। अगर ये आपने स्वयं से अपने जीवन में आत्मसार कर लिया है तो आप देखेंगे अगले साल यही साल आपके काम भी बना जाएगा, धन की ग्रोथ भी कराएगा। नहीं तो शनि का जो दूसरा स्वरूप है, क्योंकि 2 हिस्से में है, 8 का अंक लिखा जाता, दूसरा स्वरूप स्ट्रगल बढ़ा देगा और दिक्कतें बढ़ा देता है, खास तौर पर गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज। ये कहूंगी ध्यान रखिएगा, कर्म है शनि का नाम, कर्म है शनि का अंक। जब तक आप सही काम कर रहे हैं और सही नियत के साथ कर रहे हैं, अगला साल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। शनि को एकदम एक्सट्रीम बोलते हैं, क्योंकि या तो एकदम दे देता है या तो सब ले लेता है, पर डिपेंड करता है उन दोनों, शनि के सेंटर के हिस्से को जोड़ता है नियत। तो अगर आपने काम सही किया, आपका कर्म ठीक है, तो रिजल्ट भी वैसे अच्छे ही आएंगे। आपको और आपके परिवार को आने वाला 2024 बहुत मुबारक हो। आप सबके जीवन में बहुत खुशियां लेके आए। विशिंग यू अ हैप्पी 2024।